कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 16 एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के बीच ऑर्बिट ब्ले एरिना में 10 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में IPS एडा मार्टिन सर और सुष्मिता मैम एज ए चीफ गेस्ट यहाँ मौजूद रहेंगे। KDFA एसोसिएशन की जानिब से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद स्टूडेंट्स के बीच फुटबॉल के टैलेंट को उभारना है, जिससे आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मजबूत टीम तैयार किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में KDF एकेडमी, इतिहाद फुटबॉल क्लब, निमरा FC, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल, चंद्रशेखर पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल, शहबाज इंग्लिश मीडियम स्कूल, डॉल्फिन हाई स्कूल, हुसैन पब्लिक स्कूल, इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल और दीगर कई स्कूल्स और क्लब्स से कुल 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से तमाम कोच टीम काफी मेहनत कर टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना कीमती वक्त निकालकर इंस्टाग्राम KDFA एकेडमी प्लेटफॉर्म पर मौजूद इन तमाम स्टूडेंट्स में से अपने फेवरेट प्लेयर के फोटो को वोट की शक्ल में लाइक करें। ज्यादा लाइक जिसको मिलेंगे उस प्लेयर को अवार्ड दिया जाएगा। फिलहाल वोटिंग स्टार्ट है और 9 जनवरी शाम 8 बजे तक इंस्टाग्राम पर फोटोज को लाइक कर आप अपना वोट कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट को इन तमाम ने स्पॉन्सर किया है, जिससे फुटबॉल एसोसिएशन को सपोर्ट मिल सके। अगर आप भी अपने बच्चों को फुटबॉल स्पोर्ट्स गेम में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। माय नेम इज मंजनाथ पाटिल एंड आई एम अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ KDFA। सो आई एम हियर टू अनाउंस यू दैट KDFA इज ऑर्गेनाइजिंग द बिगेस्ट टूर्नामेंट फॉर द अंडर एजेस, वेयर मोर देन 40 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग and many more than 8 schools are also participating. I wish Shri Ida Martin sir, the chairman of KDFA, who has given us the opportunity and the platform to all the youngsters in our city, and also thank all the coaches, Farhan sir the head coach, for working really hard and the way they are working, and we are seeing the result of that. So I wish all the very best to all the teams. Hello everyone. Today I am with KDFA football students. They have organized a football tournament on 10th, and there are many students, kids who are coming and playing throughout our state over here for this tournament, and I am glad to be witnessing that. And I am very happy to see all the kids being really very active in football in Kalburgi. Especially Rafe, this boy, he has gone to Sweden to play for India. So I'm very proud about all of them, and I'm hoping that they will do well on 10th as well for the match, and all the best guys. There's a platform created in Instagram by the name of KDFA_Academy. So requesting all the viewers to vote for our little champs and make them a little champ of Kalburgi.